नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा के चौरई में किया 416 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मुंबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स बिजनेस शो 2017 का किया शुभारंभ। अब पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह ने टीकमगढ़ में बाईपास रोड का किया भूमि पूजन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को छिंदवाड़ा के चौरई पहुंचे। सीएम ने 416 करोड़ रुपए के विकास कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही भावांतर योजना को लेकर बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अब भावांतर योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 49 क्विंटल मक्का सरकार खरीदेगी। इसके अलावा उन्होंने चौरी में जुलाई से कॉलेज खोलने की घोषणा भी की। बिछुआ कॉलेज में स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू होंगी। बिछुआ में आईटीआई खोलने का ऐलान भी सीएम ने मंच से किया। उन्होंने हररी नगर पंचायत को विकास कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्य सचिव बीपी सिंह ने आज मंत्रालय में केंद्रीय सूखा राहत दल से प्रदेश में सूखे की स्थिति के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर बताया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। प्रदेश में पानी रोको अभियान के अंतर्गत बहुत सारी संरचनाएं निर्मित की गई हैं। उधर पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह ने टीकमगढ़ सागर SH 37 मार्ग और टीकमगढ़ ललितपुर SH 10 मार्ग को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे बाईपास रोड का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी गांव सड़क के बिना नहीं रहे, यही प्रदेश सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हर गांव में अच्छी सड़कें हों, यही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है। साथ ही 2022 तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति का अपना घर हो और सभी को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं संचालित की है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री पारसचंद जैन ने गुरुवार को नीमच विधानसभा क्षेत्र के विनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों को लगभग 4 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों की सौगात दी। उन्होंने फीता काटकर नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का उद्घाटन किया। साथ ही इस नवीन भवन का अवलोकन किया और भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री ने ग्राम चीताखेड़ा में 1,27,00,000 की लागत से नवनिर्मित सर्वसुविधा युक्त उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण भी किया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।